हर बच्चे बाय कला बोलो भाई, हाय बोलो, हेलो बोलो। अरे शर्मा कह रहे हो फोर लेन जब तक। ए भैया ए दाहिने हाथ दिखाओ, हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल बाइक मिनिस्टर में। तो जैसा कि आपने प्रीवियस वीडियो में देखा था, हम लोग सर्व अर्थ राइड कंप्लीट कर लिए हैं और अब मैं इस व्लॉग में चल रहा हूं अपने नए डेस्टिनेशन पे, जो कि जा रहा हूं मैं पटना। आपने ऑलरेडी थंबनेल में देख लिया होगा, छठ के ओकेशन पे, जो कि महापर्व होता है उसके ओकेजन पे अपन जा रहे हैं पटना। फिलहाल आपको राइड का पूरा अपडेट मैं प्रोवाइड करूँगा, वीडियो में बने रहिए। हवा कम है, दबा हुआ है, बहुत ज़्यादा कम है, कम है। अच्छा ठीक है, थैंक यू भाई, भरा लेते हैं अभी, भरा लेते हैं। तो अभी यहाँ से अपना जो डिस्टेंस है वो पूरा 250 किलोमीटर, 250 एग्जैक्ट दिख रहा है। 5 आवर्स 34 मिनट का टोटल जर्नी आ रहा है, यानी अभी बज रहे हैं 11:30, तो उस हिसाब से मैं 4:30-5 बजे तक पहुँचूँगा, जिस हिसाब से गूगल आंटी दिखा रही है। कोशिश करना थोड़ा सा पहले पहुँचने का, ताकि छठ में जो अर्घ्य देने का कार्यक्रम होता है उसमें मैं पार्टिसिपेट कर पाऊँ। फिलहाल कहीं रुक करके एयर प्रेशर भी जो है कि चेक करा लेंगे टायर का। पीछे अपने को एक हवा भरने वाला दुकान दिखा है, वो वहाँ गाड़ी में टायर एयर प्रेशर सब फिल कर रहे हैं, वहीं पर रुकते हैं, हवा भरवाते हैं फटाफट, यहाँ पे भरवाते हैं। हवा देख लीजिए, पीछे देख के बताओ तो बाबू कितना है। और बच्चे बोलो भाई, हाय बोलो, हेलो बोलो। अरे शर्मा कह रहे हो हैं, शर्मा कह रहे हो, इसमें स्टील है ताकि गिरे तो बच जाएं। नी गार्ड का मैं पहली बारी एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, जो चैलेंजेस मैंने सुना था वो थोड़ा बहुत मुझे भी समझ में आ रहा है। इसमें बार बार कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से इसको सही करना पड़ता है। खैर कोई दिक्कत नहीं है, अब पहन के आए हैं सेफ्टी के पर्पज़ के लिए, तो थोड़ा बहुत कर लेंगे मैनेज। तो यहाँ से अपने को मुड़ना है गाज़ीपुर की तरफ, यानी लेफ़्ट टर्न लेना है यहाँ से गाज़ीपुर वाले हाईवे पे। अभी इस रोड पर अपने को थोड़े दूर और चलना है, पता नहीं कहाँ से टर्न लेने वाला है गूगल, बट लोगों ने भी यही गाइड किया है मुझे कि गाज़ीपुर वाला ही यही रूट पकड़ते हैं। और ये मेरे लिए भी फर्स्ट टाइम है, क्योंकि मैं 2 बारी गया हूँ, तो दोनों बारी मोहनिया से होते हुए गया था। और माइक का भी टेस्टिंग आज हो जाएगा, क्योंकि बाइक 80 के अराउंड स्पीड पर अगर रहेगी और ऑडियो रिकॉर्डिंग बढ़िया रहती है तो काम का ही है अपना माइक का सेटअप। फिलहाल इस रोड पे 47 किलोमीटर चलना है, यानी 250 में से अगर मैंने 47 भी चल लिया तो 200 किलोमीटर बचता है। अब 47 किलोमीटर के लिए 4 लेन अभी मिल रहा है अपने को। गूगल आंटी का कहना है कि अपने को इस फ्लाईओवर पे चढ़ के जाना है, अब देखते हैं ये फ्लाईओवर वहाँ से शायद टर्न लेगा, तो अपन चढ़ते हैं फ्लाईओवर पे, देखें ये कैसा रास्ता आप आगे मिलने वाला और ये कौन सा पॉइंट है ये भी अपने को पता चल जाएगा। ये कुछ ऐसा रास्ता है जो फ्लाईओवर की तरफ जाता है, रास्ता तो ख़राब आ गया भाई ऑफ रोड। चलो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत ऑफ रोड भी झेल लेंगे, फिलहाल जो है कि पहुंचना है फ्लाईओवर के 1 किलोमीटर के बाद लगभग अपने को यहाँ से टर्न लेना है। गाज़ीपुर ही एरिया में हैं अपन, गाज़ीपुर से ही होकर के जा रहे हैं, गाज़ीपुर का मिर्नापुर विलेज है शायद ये, तो यहाँ से अब अपन लेफ़्ट लेंगे, लेफ़्ट टर्न लेते हैं। भैया ये कैसे रास्ते पर ले आए गूगल आंटी, बढ़िया रास्ता आगे दिखाओगे कि नहीं दिखाओगे। गूगल आंटी कई बारी सीधा रास्ता छोड़ करके अंदर वाला रास्ता दिखा देती है टूटा फूटा, और उसमें लग जाता है टाइम। शायद अपने निकलने वाले हैं मेन रोड पे, यहाँ से निकलते हैं, देखें कैसा हाईवे है। यहाँ से लेफ़्ट हो रहा है, गाज़ीपुर का ही सिटी एरिया है मेरे को लगता है, सिटी से अपन क्रॉस करके ही जा रहे हैं। जितना ज़्यादा हाईवे हो सकता था
गूगल आंटी के लिए उन्होंने दर्शन करा दिया फोर लेन वाला। अब फिलहाल जो है सिटी से चलते हैं, देखें अब कितना किलोमीटर इस पे चलना है। इस पे चलना है 46 किलोमीटर, यानी कि ऐसी ही रोड मिलेगी अगले 46 किलोमीटर तक। थोड़ा सा ये भीड़ शांत हो जाए तो आसान हो जाएगा। ये है रौजा तिराहा, जहाँ से कि अपन सीधे जाने वाले हैं आलम पट्टी चौराहा की तरफ, और ये जमानिया मोड़ लेफ्ट है। अभी अपन क्रॉस हो रहे हैं कठवा मोड़ बाज़ार से, जो कि गाज़ीपुर में ही पड़ता है। छठ के कारण जो मार्केट का भीड़ है वो काफ़ी ज़्यादा है। ये जो सामने आप देख रहे हो ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का कट है लेफ्ट साइड में, जो कि लखनऊ और आज़मगढ़ के जाने के लिए है। बक्सर और बलिया सीधे, बक्सर बलिया होते हुए अपन जाएंगे, आज़मगढ़ लखनऊ के लिए इधर से आप जा सकते हो। सही रास्ता मिल जाता पटना के लिए तो कितना मज़ा आता, 3 घंटे में पटना। तो अपन इंटर कर चुके हैं बलिया में, समय हो रहा है 1:46 और बनारस से अपने ऑलमोस्ट कवर कर लिए हैं 120 किलोमीटर, यानी कि 130 के अराउंड बचा हुआ है अभी। बलिया सिटी यहाँ से 38 किलोमीटर है, बट बलिया का एरिया शुरू हो चुका है, सिटी डेवलपमेंट एरिया जो होता है। तो इसी रोड पर अभी फ़िलहाल बचा हुआ है अपना कुछ डिस्टेंस, लगभग अभी 6 किलोमीटर और अभी बचा है। 6 किलोमीटर के बाद देखते हैं यही वाला हाईवे कंटिन्यू रहता है या कुछ चेंज करना है। भरौली अपने पहुँचे हैं, और भरौली से जो है बक्सर की तरफ ये राइट आगे टर्न लेना है, तो अपन राइट मुड़ेंगे। कहाँ है आगे? राइट टर्न यहीं कहीं पर है राइट टर्न लेते हैं यहाँ से बक्सर के लिए। यह है बक्सर वाला रूट, और अब यहाँ से लेफ्ट मुड़ना है अपने को, जो कि NH 922 शुरू होता है। बट ऐसा NH का क्या ही मतलब जब 2 लेन हाईवे हो, 4 लेन जब तक। ए भैया ए, दाहिने हाथ दिखाओ। चलो हाय कर दो। कैमरा चालू रहेगा पुत्र, तभी तो कैद हो गए। अभी अपन चल रहे हैं बक्सर हाईवे पर, जो बक्सर से कनेक्टिविटी रखता है पटना के लिए। ये अच्छा 4 लेन मिल गया मेरे को, मैं सोच रहा था कि नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं मोहनिया से आता हूँ तो नहीं रहता है कोई भी 4 लेन मोहनिया के बाद से। खैर इधर ये चीज़ अच्छा है, मैं उम्मीद बस ये कर रहा हूँ कि पटना तक ये जाए तो फिर मज़ा ही आ जाएगा। बाय गॉड, फिर मैं हमेशा इसी रूट से आना जाना करूँगा, ये बढ़िया रास्ता है। और सोचा था ब्रेक लूँगा, बट सोच रहा हूँ कि अब ना ही ब्रेक लूँ, क्योंकि 98 किलोमीटर और बचा है, 1.5 घंटे में ऑलमोस्ट वो भी ख़त्म हो जाएगा, पहुँच जाएंगे अपन 4 बजे तक। तो अपन जो है कि कंटिन्यू करेंगे राइड, अगर रास्ता ख़राब हुआ तब ज़रूर से कहीं एक जगह रुकूँगा, कुछ पानी वानी कम से कम पी लूँगा। अभी मैं यहाँ हाईवे पर ही कहीं पर रुका हुआ हूँ, कौन सा जगह है, ये है भोजपुर में रुका हुआ हूँ। और कैमरा पता नहीं, इसमें यूलांजी में एक प्रॉब्लम है कि कैमरा ना अपने आप जो है कि बंद हो जाता है। खैर किसी तरीके से जो है कि अभी मैंने ऑन किया, और एक गलती अभी मुझे पता चली, मैं हमेशा सुपर व्यू मोड में रिकॉर्डिंग करता हूँ, बट नैरो मोड में अभी रिकॉर्डिंग हो रहा था। तो अभी तक का जो भी वीडियो मिला होगा वो आधा अधूरा ही मिला होगा, मैं दिखाना कुछ और चाह रहा हूँ, दिख कुछ और रहा होगा। फिर भी फ़िलहाल जैसा भी है, अब रिकॉर्ड हो गया है भाई ऑडियो के साथ, ऑडियो इम्पोर्टेंट है, वीडियो थोड़ा बहुत मैच कर लेना। चलते हैं आगे, और अभी जो है यहाँ से पटना 41 किलोमीटर और दिख रहा है। छठ के लिए लोग देखिए घाट जाना शुरू हो गए हैं, ये ट्रैक्टर भर के जो है कि घाट पे जा रहे हैं, और अब अपन गंगा ब्रिज पर ही चढ़ने वाले हैं। तो या तो इस पार या तो उस पार किसी ना किसी घाट पर ये लोग रुकेंगे। अभी जो है कि सिर्फ और सिर्फ 34 किलोमीटर बचा है, यानी 34 किलोमीटर भी अगर 2 लेन होता है
तो अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो 34 इधर और लगभग 50 किलोमीटर उधर गाजीपुर के साइड में टू लेन रोड था, यानी कि 80-90 किलोमीटर अभी टू लेन है और बाकी का फोर लेन है। यानी कि ओवरऑल परसेंटेज के हिसाब से बनारस से पटना ट्रैवल करने पर अपने को 60% फोर लेन मिलता है और 40% टू लेन रोड मिलता है। पटना में काफ़ी ज़्यादा भीड़ है अब जो है कि अपने इस लोकेशन से भी 11 किलोमीटर और बचा है। 11 किलोमीटर घर का जो लोकेशन है वो जल्दी से पार करते हैं, पहुँचते हैं। घाट पर तो बहुत बम्पर भीड़ है, वो तो अच्छी बात है कि अपना घर पर जो है कि हो रहा है। ये जो है टेंशन अपने को नहीं लेना पड़ेगा कि घाट का भीड़ भीड़ देखना पड़े, मैनेज करना पड़े। तो फिलहाल अपन जो है कि अपने घर आ गए हैं और बनारस से पटना का जर्नी कुछ ऐसा था। लगभग 5-4.5 घंटे लगे अपने को 260 किलोमीटर के लगभग कवर करने में, 260 किलोमीटर वाराणसी से और मेरे घर से ऑलमोस्ट देखा जाए तो 270-270 के आसपास। और बढ़िया था, 60% रोड बढ़िया, 70% रोड बढ़िया था, 30% रोड बढ़िया नहीं था। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर। दीदी I don't know.